हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको हरे चने की पकौड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जो कि खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है, साथ में इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस करें, ताकि आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। हरे चने के पकौड़े बनाने के लिए हमने 250 ग्राम हरा चना ले लिया है। आप देख सकते हैं हरा चना को हमने साफ पानी से धो के रख लिया है। तो फिर चलिए अब पकौड़े बनाने की तैयारी करते हैं। हम एक बाउल लेंगे, बाउल में हरा चना ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं हमने चना को बाउल में डाल दिया है। चना डालने के बाद हम इसमें 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक चॉप करके इसमें हम ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं प्याज भी हमने ऐड कर दिया है। अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया पत्ती और 2 हरी मिर्च को काट के डाल दिया है। हरी मिर्च डालने के बाद हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड कर देंगे। आप देख सकते हैं हल्दी पाउडर और लाल मिर्च पाउडर को हमने डाल दिया है। अब इस हरे चने में हम 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन ऐड करेंगे। अजवाइन डालने के बाद हम इसमें 1/2 छोटा चम्मच चाट मसाला, वो भी इसमें ऐड करेंगे। आप लोग एक बार इस तरह से हरे चने की पकौड़ी को बना के ट्राई करिएगा, आप लोग को बहुत ही पसंद आएगा। चाट मसाला डालने के बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे। नमक ऐड कर दिया हमने। अब हम इसमें 50 ग्राम चावल का आटा ऐड करेंगे और 50 ग्राम चावल का आटा डालेंगे तब हम इसमें 25 ग्राम के करीब बेसन ऐड करेंगे। हरे चने की पकौड़ी में ये ध्यान रखना होता है कि अगर आप एक कटोरी आटा ले रहे हैं तो 1/2 कटोरी उसका आप बेसन ले लें। इस तरह से अगर आप दोनों आटा मिक्स करके लेंगे तो आपका हरे चना का पकौड़ा बहुत ही अच्छा बनेगा। बेसन और चावल के आटा को डालने के बाद हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे। आप देख सकते हैं हम किस तरह से मिक्स कर रहे हैं, उसी तरह से मिक्स कर लेना है। जब ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और इसको मिलाते जाएंगे। आप देख सकते हैं किस तरह से हम इसको मिला रहे हैं। एक बार में पानी नहीं डालना है, धीरे धीरे करके पानी डालना है इसमें। जैसे जैसे आप थोड़ा थोड़ा करके पानी डालते जाएंगे वैसे वैसे पकौड़ी के लिए यह बनके तैयार हो जाएगा। आप लोग इस हरे चने की पकौड़ी को स्नैक्स के रूप में बना के खा सकते हैं, यह खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है। आप देख सकते हैं हरे चने का पकौड़ों का मिक्स ये रेडी है बनके। चलिए अब आपको इसको हाथ में लेके आपको हम दिखला देते हैं, देखिए कितना अच्छा बना है। तो चलिए अब हम इसे तलने की तैयारी करते हैं। इधर हमने गैस ऑन करके कढ़ाई में तेल डाल के चढ़ा दिया है गर्म होने के लिए। तेल अब गर्म हो रहा है, जब तेल गर्म हो जाएगा तब हम इसमें पकौड़ा डाल के तलेंगे। आप देख सकते हैं तेल अब गर्म हो चुका है, आपको हम पकौड़ा डाल के इसमें दिखलाते हैं चना वाला। एक एक करके सारे पकौड़ों को हम इस तेल में डालते जाएंगे। यह हरा चना का पकौड़ा खाने में इतना कुरकुरा और इतना टेस्टी लगता है कि आप इसे एक बार जब बना लेंगे तो इसका स्वाद आप भूल नहीं पाएंगे। सारे पकौड़ों को हमने डाल दिया है। अब जब एक तरफ से ये हो जाएगा तब हम दूसरी तरफ से इसको पलट के तल लेंगे। आप देख सकते हैं अब हम इसको दूसरी तरफ से इसको पलट ले रहे हैं। गैस का फ्लेम मीडियम टू हाई रखेंगे। जिस तरह से हमने आपको पकौड़ा की रेसिपी बताई है, अगर आप उस तरह से हरे चने का पकौड़ा बनाएंगे तो बहुत ही अच्छा बनेगा। आप देख सकते हैं पकौड़ा गोल्डन कलर का हो चुका है। अब इसको चारों तरफ से घुमा घुमा के इस तरफ से तल लेंगे।
इस हरे चने के पकौड़े को चारों तरफ से घुमाते हुए इस तरह से तल लेना है। आप देख सकते हैं हम किस तरह से इस पकौड़ों को तल रहे हैं। अब ये पकौड़ा बनके तैयार है। अब चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं तेल में से। हरा चना का पकौड़ी गर्मा गर्म खाने के लिए तैयार है। चलिए अब हम इसे सर्व कर लेते हैं। अगर आप लोग को ये हरे चने की पकौड़ी की रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करना न भूलें। थैंक यू।